फाइनली अपने हेक्टिक पर्सनल लाइफ से निकलकर आ गया हूँ मैं एक नया एपिसोड लेकर। मेरा नाम है जेके एंड आई एम ऑन द वे टू नंदी हिल्स। तो कुछ हेल्दी रोड साइड साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के साथ मेरे आगे के सफर को जारी रखते हैं। नंदी हिल्स बैंगलोर शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जो एक काफी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी कहलाई जाती है। अगर आप बेंगलुरु शहर से हो और आपको हाइकिंग और ट्रेकिंग का शौक है तो आप यहाँ आराम से आ सकते हो। काफी डेंजरस जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब टूट के गिरा है, एवलांच हुआ था रिसेंटली बारिश की वजह से। नंदी हिल्स को आनंदगिरी हिल्स भी कहा जाता है। पुराने जमाने में नंदी हिल्स टीपू सुल्तान का फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था। बाइक चलाते वक्त आपको काफी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि पहाड़ी रास्ते थोड़े मुश्किल होते हैं और नजर हटी तो दुर्घटना घटी। काफी अच्छा नजारा है, हम लोग रोड्स आर रियली डेंजरस एंड एडवेंचरस। अगर आप नंदी हिल्स अपने दोस्तों के साथ प्लान करते हो तो पर्सनल बाइक होने में काफी फायदा है, आप आराम से नंदी हिल ट्रैवल कर सकते हो। अपने पूरे रास्ते के दौरान आपको जो नज़ारे देखने को मिलेंगी वो तो आपका दिल ही जीत लेगी। रोड्स आर रियली स्टीप, ऊपर नीचे काफी ढलान है। तो इस तरह अपने खतरनाक सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं नंदी हिल्स के एंट्रेंस में। तो हम नंदी हिल्स पहुंच चुके हैं, ये पार्किंग एरिया है। नंदी हिल्स के एंट्रेंस में आपको पार्किंग के लिए जगह तो मिल जाएगी, लेकिन पार्क एट योर ओन रिस्क। नंदी हिल्स को कमर्शियलाइज कर दिया गया है और यहाँ घुसने के लिए पर पर्सन आपको सिर्फ 25 रुपए देने पड़ेंगे। अंदर घुसते ही काफी सारे खूबसूरत जगह है एक्सप्लोर करने को। लेकिन मेंटली तैयार रहना, क्योंकि आपको काफी चलना भी पड़ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे शैक्स हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, यू कैन एंजॉय द नेचर। कर्नाटका गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, लेकिन सीढ़ी बहुत है भाई, खर्चा किया है। जिसको मैं शैक समझ रहा था वो दरअसल कुछ और ही है, ये कुछ शायद खेलने के लिए है, शायद बच्चों के लिए, आई डोंट नो। खेलने जैसा तो लग नहीं रहा है। एज यू कैन सी इट्स रियली डेंजरस। थोड़ी और चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच गए नंदी हिल्स व्यू पॉइंट पे, जो कि काफी खूबसूरत था। अब नंदी हिल के टॉप में आ चुके हैं एंड आई मेट दिस अमेजिंग गाइस। दिस गाय इज एन अमेजिंग फोटोग्राफर एंड ही इज आल्सो एन अमेजिंग फोटोग्राफर। एंड आप लोग कुछ बोलेंगे अपने बारे में? कौन सा चैनल है? जेके ऑन द वे, माय चैनल नेम। बाइक का वीडियो चैनल का नाम जेके ऑन द वे। ऑन द वे सब लोग सब्सक्राइब करो, अच्छा वीडियो आता है सब लोग देख करो, सब्सक्राइब करो, चैनल शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू गाइस। आप लोग कहाँ से हैं? मैं आंध्रा से भाई, इंदूपुर से। इंदूपुर आंध्र प्रदेश। सो यू आर तेलुगु? तेलुगु। ओके ओके, तेलुगु आंध्र प्रदेश। ओके ब्रदर, तो यहाँ पे पूरा टीम है, दिस इज एंटायर टीम। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, आई एम बिग फैन। नंदी हिल्स के अंदर काफी अच्छे गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ स्टे भी कर सकते हैं। लेकिन इन बंदरों से जरा संभल के रहना, क्योंकि यहाँ आपको इनका सामना भी करना पड़ सकता है। जंगल के रास्ते अगर आप चलते रहो तो आप कुछ शॉर्टकट्स भी डिस्कवर कर सकते हैं, क्या पता आपको कोई नया शॉर्टकट मिल जाए। तो इस तरह जंगल के रास्ते हम एक और व्यू पॉइंट पर पहुंच गए, जहां से भी नज़ारा काफी सुंदर था। और यहां बंदर महाशय अपने कार्य में काफी व्यस्त लग रहे हैं। पिछले एक घंटे से हम भटक चुके हैं और कुछ पता नहीं चल रहा है। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि एग्जिट कहाँ है, हम उनसे पूछ रहे हैं एग्जिट कहाँ है, लेकिन एग्जिट कहाँ है भाई, पता ही नहीं चल रहा है।
आप यहाँ इसका कुछ लोगों के भरोसे, लोग हमारे भरोसे, हम भगवान भरोसे। सीरियसली यार, यहाँ पे देर आर लॉट ऑफ चांसेस यू विल गेट लॉस्ट। यू हैव टू कीप ट्रैक कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वरना खत्म। टाटा बाय बाय। हर बार आप चढ़ाई करें और आपको एक नया जगह देखने को मिले, ये एक्सपीरियंस काफी अनोखा था। इसके बाद भी थकना है, लेकिन हर जगह आपको ये लोग मिल जाएंगे। देखिए, इजी मार्किंग इस टेरिटरी। पर एक बात तो है दोस्तों, जंगल के रास्ते आपको काफी मजेदार और एडवेंचरस जरूर लगेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये टीपू सुल्तान का प्राकृतिक धरोहर है जो कि खंडर बन चुका है। बहुत कुछ है यहाँ एक्सप्लोर करने को, लेकिन काफ़ी तंग रास्ते हैं यार। एवरीथिंग इज इन इट्स नेचुरल फॉर्म। तो ये झरना का पानी आ रहा है कहाँ से, डोंट नो, बट इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। भाई क्या लगता है, ये टीपू सुल्तान का फार्म हाउस है क्या या हिल हाउस? पानी का बहाव तो देखिए भाई, इट्स रियली हाई फ्लोइंग। ओ गॉड, दिस इज रियली अमेजिंग मैन। दिस हाउस वाज ओकेशनली यूज्ड बाय टीपू सुल्तान अ समर रेसिडेंस। अरे यार, वाइल्ड गेस, हमारा वाइल्ड गेस सही निकला। इट इज एक्चुअली टीपू सुल्तान का फार्म हाउस काइंड ऑफ थिंग। काफी कूल है यार ये, इनको शूट कर रहा हूँ। दीज लीव्स आर रियली ब्यूटीफुल, हर जगह ये मिल रहे हैं इस पहाड़ पे। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ग्रीन हाउस भी है पहाड़ के टॉप में। लाइक इट इज़ वेरी सिमिलर टू हैरी पॉटर वाला हर्बी हाउस। अंदर तो जा नहीं सकते, बस बाहर से ही देख लीजिए, naturally preserved। तो आप देख सकते हैं, आई एम स्वेटिंग अ लॉट एंड काफ़ी चढ़ाई कर चुका हूँ मैं। ये बहुत ही, इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस। मैंने सोचा कि मैं लाइव आऊँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता। तो आई होप आप कुछ बैकअप लेके आए, बिकॉज सच में यहाँ नेटवर्क नहीं रहता। जियो तो बिल्कुल नहीं रहता ही नहीं है भाई जियो यहाँ। पहाड़ के रास्ते आप जब नीचे उतरेंगे तब भी आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। काफ़ी मेहनत के बाद हमको एग्जिट मिल गया है, एंड दिस इज योर एग्जिट। नीचे उतरना है आपको। ये सेक्सी टैटू वाला बंदा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, इसका नंबर मैं लिंक में दे दूंगा। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो गया भाई। तो फ्लैश था ना, सुपर ह्यूमन पावर। पता नहीं हम लोग अंदर जा रहे हैं तो जंगल में घुसते संभलते पहुंच गए हम लोग। तो जैसे तैसे मैनेज करके हम जंगल से बाहर निकल ही गए। तो इस तरह मेरे कर्नाटक का एडवेंचरस सफर यही खत्म होता है। उम्मीद है मैं यहाँ दोबारा जरूर आऊंगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कीप वॉचिंग।